डेहरी के महिला कॉलेज में लेट्स इंस्पायर बिहार के तहत युवा दायित्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर रोहतास जिले के कभी SP रहे विकास वैभव मौजूद थे। आज वो गृह विभाग के विशेष सचिव के तौर पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और बिहार को एक नई दिशा देने के लिए यहाँ जो युवा मौजूद थे उनसे बातचीत की, अपने विचार रखे। आपको बता दें कि शाहबाद महोत्सव जो शुरू हुआ है उसको लेकर भी जो विकास वैभव हैं वो रोहतास जिले में पहुँचे और रोहतासगढ़ के आसपास के इलाकों में कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए, वहाँ भी उन्होंने अपने आशीर्वचन रखे और इसके बाद कई जगह विक्रमगंज से लेकर के डेहरी तिलौथू कई इलाकों में वो लेट्स इंस्पायर बिहार के तहत बिहार को बदलने के लिए और युवाओं को नई सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं। डेहरी एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए अनिल कुमार के साथ राजीव रंजन। बहुत लोगों ने अपने अनुभव साझा किए होंगे जिनके लड़के का एडमिशन IIT की परीक्षा दी, IIT पटना में ही हो गया हो, क्या अनुभव साझा करते हैं उस बिहार के बारे में जिसमें कभी पूरे सुदूर चीन से, कोरिया से पैदल चलकर सोशल मीडिया के माध्यमों से, भौतिक माध्यमों से, और आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ, उसको नाम हम लोगों ने दिया, आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। और जहाँ बात प्रेरित करने की हो, प्रेरणा की हो, सबसे पहले प्रश्न तो यही होता है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित कर सकता है। जब बात हम प्रेरित करने की कर रहे हैं तो कौन हो सकता है जो किसी को प्रेरित कर सके, बताइए। आप लोग काफी लोग बैठे हैं, ऐसा कौन व्यक्ति है जो किसी अन्य व्यक्ति को, युवा तो एक युवा तो क्या हर युवा से प्रेरित होते हैं, शिक्षक, चलिए और प्रतिष्ठित हो, कोई अच्छे और सोचिए कौन व्यक्ति होता है जो हर किसी को, जिससे आप प्रेरित होते हैं। बहुत बड़ी 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 परिवर्तन को हम प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं तो हम सफल मान सकते हैं। सफलता क्या है यदि आप, हर व्यक्ति के मन में कोई लक्ष्य होता है, लेकिन लक्ष्य जो है, कितने लोग अपने उस वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। बहुत लोग यहां बैठे हैं जिसमें 50 की अवस्था से पार हो चुके होंगे। आप कल्पना कीजिए उस समय के, जब आप कभी 15 वर्ष के रहे होंगे, 10 वर्ष के रहे होंगे, आपके मन में कोई परिकल्पना जगी होगी जिसको लेकर उस समय आप चिंतन भी करते रहे होंगे, परिश्रम भी करते रहे होंगे। जब इस जीवन रूपी यात्रा को आप देखें तो क्या वो जो परिकल्पना उस समय की थी, एक व्यक्तिगत परिकल्पना, एक सामाजिक परिकल्पना, आज क्या साक्षात हुई? कितने लोग होते हैं जो कह सकते हैं कि मैं अपने जीवन में सफल हुआ? अधिकांश लोग ऐसे मिलते हैं जो बड़े